तो मैं हूँ आपकी दोस्त नेहा और आज मैं आपको कॉफी को यूज करने का एक अलग सा यूनिक सा वे बताऊंगी जो आपके फेस को इमीडिएटली ग्लोइंग तो बनाएगा ही, उसी के साथ ही साथ आपके फेस टिश्यूज को भी बहुत ही हद तक रिपेयर कर देगा। क्योंकि कॉफी में जो कैफीन होता है वो आपके टिश्यूज को रिपेयर करता है, एंटी एजिंग होता है और उसी के साथ ही साथ आपके टिश्यूज की लाइफ भी बढ़ाने में मददगार होता है। तो ये वाला जो फेशियल है आपको आजकल बहुत सारे पार्लर्स में देखने को मिल जाएगा, बट कॉफी फेशियल जो होता है वो एक तो काफी टाइम टेकिंग भी होता है, उसी के साथ ही साथ काफी कॉस्टली होता है जो हर कोई नहीं करा पाता। मैंने कहीं कहीं तो देखा कि इसकी कॉस्ट 5,000 रुपए तक थी, जिसकी वजह से आप आई थिंक अफोर्ड ना कर पाए। तो चलिए क्यों ना इस फेशियल को हम घर पर ही बनाए। कॉफी का पाउच तो सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 रुपए में इजिली मार्केट में मिल जाता है एंड इसको हम घर पर उन्हीं चीजों के साथ बहुत ही इजीली कर सकते हैं एंड हम इसको सेम ही स्टेप में रखते हुए इसके 2 या 3 जो भी स्टेप हैं वो एक साथ करेंगे। तो चलिए स्टेप करते हैं जिसमें टाइम भी बहुत कम लगेगा। ये आपके टिश्यूज को अंदर से रिपेयर करेगा, आपके सेल्स को ग्रो करेगा और आपके फेस को इंस्टेंट ब्राइट तो बनाएगा ही बनाएगा, स्मूथ और ग्लोइंग बनाएगा और टैनिंग को भी धीरे धीरे रिमूव करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इसको। ये एक एंटी एजिंग भी है, आप याद रखिएगा, यानी आप इसको टाइम टू टाइम कर सकते हैं। तो ये आपको अच्छा लगे प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और आयुर्वेद ब्यूटी विद नेहा को यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी यदि आपको छोटी मोटी ऐसी प्रॉब्लम होती रहती है तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं, मैं जितना जल्द से जल्द होगा उसका सॉल्यूशन आपको बताने की कोशिश करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे एक कॉफ़ी का पाउच। आप बड़े पाउच नहीं लेना चाहते हैं, आपको 2 रुपये 1 रुपये में भी कॉफ़ी के पाउच इजीली मिल जाएंगे, तो आप इस तरह के छोटे पाउचेस भी ले सकते हैं। यदि आप इस तरह के फेशियल कराने जाएंगे पार्लर्स में तो आपको 3-4 हज़ार रुपये से कम के नहीं पड़ेंगे, क्योंकि ये टैनिंग को भी रिमूव करते हैं और रंग को भी फेयर करते हैं। इसके बाद सेकेंड चीज़ जो हम लेंगे ये है ब्राउन शुगर। ब्राउन शुगर आप कहेंगे कि मार्केट में इजीली नहीं मिल रही है हमें या छोटे पाउच नहीं मिल रहे हैं, हम क्या करेंगे बड़ा लेके। तो आपको क्या करना है, आपको इस तरह के छोटे छोटे सैसे जहाँ केक का सामान मिलता है वहाँ पर आपको इजीली मिल जाते हैं और इसका हमें सिर्फ और सिर्फ इस टाइम आधा पाउच यूज़ कर रहे हैं। तो आधा पाउच हमने ब्राउन शुगर लिया और 1 पाउच लिया हमने कॉफ़ी का। उसी के साथ यहाँ हम डालेंगे विटामिन ई का 1 कैप्सूल, जिसको हम पंचर करके इसका ऑयल इसमें डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं सिर्फ हमने 3-4 रुपये का सामान डाला है और इसमें हम डालेंगे एक नॉर्मल टेम्परेचर पर दूध 1 चम्मच के समथिंग, जिससे इसका पेस्ट थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा सा ही रहे, पतला ना हो। ये सभी चीज़ें मिक्स करने के बाद जब हम अपने फेस पर अप्लाई करते हैं तो आप देखते हैं कि एक अच्छी सी प्यारी सी फेयरनेस आती है। बट इसको अप्लाई करने का एक पूरा प्रोसीजर है, तरीका है, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। केवल और केवल इस ही चीज़ से हम किस तरह से एक अच्छा फेशियल करेंगे। तो सबसे पहले दूध लें, कॉटन डिप करें और फेस को क्लीन कर लें। यहाँ मैंने फेस को ऑलरेडी क्लीन करके रखा है, ये बहुत ही अच्छा क्लींजर होता है। इसके बाद जो अभी पैक हमने रेडी किया है, इस पैक को अभी हम सबसे पहले एक पतली लेयर अपने फेस पर अप्लाई कर लेंगे और इसको अप्लाई करते टाइम याद रखें कि हल्का हल्का सा पतला पतला पैक ही अभी आप अप्लाई करें। आप चाहें तो इससे आप बॉडी पॉलिशिंग भी कर सकते हैं, तो आप इसको अपने हाथ पैरों पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अब 1 मिनट हुआ है, 1 मिनट के लिए इसको छोड़ना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अभी हमने जो ब्राउन शुगर बचा ली थी ना, थोड़ी सी ब्राउन शुगर हाथ पे ले लें। ब्राउन शुगर बहुत ही सॉफ्ट होती है, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। यदि आपके पास ब्राउन शुगर नहीं है, ऐसे केस में आप क्या करेंगे, वाइट वाली जो चीनी है उसको मिक्सी में हल्का सा दरदरा कर लें। जब वो दरदरा होकर एकदम सॉफ्ट और मुलायम सा, उसमें जो लड्डू से बन जाते हैं ना उस तरह से हो जाए, तब आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बट कोशिश करें यदि आपके पास ब्राउन शुगर है तो ब्राउन शुगर यूज़ करें, क्योंकि ये स्किन के लिए बहुत अच्छी है और ये स्किन पर जाती ही बहुत इजीली मेल्ट हो जाती है और बहुत अच्छे से स्क्रबिंग करती है फेस की, सारे डेड सेल्स को निकलवाती है। और ये देखिए आप नोज़ वाले एरिया पर अच्छे से
हल्के हल्के हाथ से सर्कुलर मोशन में आपको मसाज करनी है, जैसे कि आप स्क्रबिंग करते हैं। तो इस तरह से स्क्रबिंग होने के बाद आप देखेंगे ब्राउन शुगर पूरी तरह से मेल्ट हो चुकी है फेस पर। अब आप एक और लेयर लेंगे, अभी जो हमने पैक तैयार किया था उसी की एक और लेयर लेंगे और एक और लेयर अच्छे से इसके ऊपर लगा देंगे। और अब इसको लगभग 5 मिनट के लिए सूखने के लिए छोड़ देंगे। तो ये सूख गई है तो एक कॉटन बॉल को दूध में डिप करें और हल्के हल्के हाथ से इसको हटाएं। उसके बाद नॉर्मल वाटर के साथ अपने फेस को क्लीन करें। आप देखेंगे कि आपको फर्स्ट यूज़ से ही बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे और यदि आपके फेस पर बहुत ज़्यादा टैनिंग हो रखी है तो और भी अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। आपका फेस एकदम सॉफ्ट और ग्लोइंग हो जाएगा। इसको आप वीक में एक बार बहुत ही ईजीली कर सकते हैं। ये आपके फेयरनेस को दिन पर दिन गोरा करने में भी मदद